सबसे पहले कि इन लास्ट 35 डेज में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रीलिम्स की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि एग्जाम में आपको जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो है आपके बेसिक्स कैसे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। तो आप जो मेन आपके बेसिक सिलेबस हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है और आपका इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, ये हमारे बेसिक सिलेबस हैं। हमारे पास इनका रिसोर्स रहता है, मटेरियल रहता है, हमारे पास बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं। तो वी हैव समथिंग कि हम इसको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज है इम्पोर्टेंट वो है करंट अफेयर्स, उसको कैसे टैकल करें वो भी एक बहुत जो है मतलब एस्पायरेंट्स के मन में रहता है कि हाउ टू टैकल विद करंट अफेयर्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने बेसिक्स को बार बार रिवाइज करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इनको आप बार बार रिवाइज करें। इनसे जो कोई क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्वेश्चंस, आप कोशिश करें कि वो क्वेश्चंस गलत ना हो। और आपको थोड़ी थोड़ी ब्रॉड स्ट्रेटजी मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, लास्ट में उसमें समरी भी दी होती है, तो आप इवन एट द लास्ट फेज आप उसको रिवाइज करने के लिए फटाफट लास्ट से समरी से आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। हिस्ट्री में जो चीजें ध्यान देने की है वो ये है कि आप टाइमलाइन भी ध्यान दीजिए, दूसरा आप जो है क्रोनोलॉजी भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरा जो है फैक्चुअल चीजें जहां पे एसोसिएशन हैं एंड द पर्सन एसोसिएटेड विद द एसोसिएशन हैं, और जो है एक्ट्स जो हमारे आते हैं जैसे कि 1857 के बाद जो गुड गवर्नेंस इंडिया एक्ट आया था 1858 में, फिर 1909, 1919, 1935 जो एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आए हैं उन सब में क्या प्रोविजंस थे, फिर लास्ट में जो हमारी इवेंट्स रहती हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो हमारी इवेंट्स रहती हैं जिसमें कि अगस्त ऑफर आता है, हमारा वोवेल प्लान आता है जिसमें कि कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट प्लान और ये सारी चीजें जो रहती हैं उसमें क्या प्रोविजंस थे, किसमें क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर करा गया और किस किस ने उसको सपोर्ट करा, तो ये इन चीजों के बारे में अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप वहां पे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे हिस्ट्री के। दूसरा जो चीज है मिडवेल और जो एंशियंट हिस्ट्री है, अभी रिसेंटली एक ट्रेंड है यूपीएससी में पिछले 2 या 3 साल से, आई थिंक स्पेशली फॉर लास्ट 2 ईयर्स देयर हैव बीन इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम मिडवेल हिस्ट्री। तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं अपना बता देता हूँ, मैंने जो लूसेंट की हमारी एक जीके की बुक आती है मैंने वहां से करा था, और भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप वहां से भी उसको कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे आप कोई नई बुक उठा के, नया रिसोर्स उठा के आप तैयार नहीं कर सकते, तो फॉर ए क्विक रिविजन के लिए अगर आपने नहीं करा ही आप कर रहे हैं तो आप जो वीडियोज 1 घंटे में जो मिडवेल का एक कोर्स टाइप सा रहता है आप वो कर सकते हैं, या फिर आप जो लूसेंट में बहुत उन्होंने क्रिस्प में बना के दे रखा है तो आप वहां से भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं करा है। और अगर आपने पहले से तैयार कर रखा है तो आप उसी सोर्स को ही रेफर करें, उसी से स्टिक टू करें और उसी पे अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंशियंट से आप जो तैयारी करते हैं, मेरे हिसाब से जो रिसेंट में करंट अफेयर्स में जो चीजें एंशियंट से रिलेटेड रही हैं, जैसे हमने बहुत एक्सकेवेशन करी हैं, इवन हमारे बजट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी साइट्स के बारे में नाम लिए हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे नाम लिए हैं जो एंशियंट के सिलेबस से रेफर करते हैं, तो उन चीजों को आप ना छोड़िए, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको आप करिए, तो आपके लिए मे बी वहां पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है उन वर्ड से रिलेटेड। और तो ये रहा हिस्ट्री का। अभी ज्योग्राफी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल रहता है 11th-12th की एनसीईआरटी, आप उसको छोड़ के मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एक एक वर्ड को आप कर लीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन चैप्टर वाइज आप करिए। और दूसरा जो है जीसीलियम, सो मैं अपना बता देता हूँ, जीसीलियम में क्या है कि दिस बुक इज नॉट रिटन फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा दिस हैज बीन रिटन बाय एन फॉरेन राइटर, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूपीएससी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट रहती हैं, बहुत ज्यादा काम पे नहीं आती हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो आप थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करिए जीसीलियम से। तो स्टार्टिंग के कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं और जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो जीसीलियम में है
जो जो चैप्टर्स हैं आप वो वहाँ से कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप ज्योग्राफी की जो है एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा ज्योग्राफी में आप एटलस पे ध्यान दीजिए, जो रिसेंट न्यूज़ में रही हैं जो चीज़ें, और वो जो आप लोकेशन देखेंगे एटलस से, तो साथ में आप लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए कि वो कौन सी लेटिट्यूड पे पढ़ते हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूड वहाँ पे वहाँ से निकलती है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड का भी रोल रहता है एटलस के क्वेश्चन में। और वर्ल्ड मैप से भी एक या दो क्वेश्चन हर बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, हर बार एक या दो क्वेश्चन वर्ल्ड मैप से पूछा जाता है। तो जो वर्ल्ड न्यूज में, वर्ल्ड में जो चीजें न्यूज में रहती हैं, जो जो लोकेशंस न्यूज में रहती हैं, आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो ज्योग्राफी से है, फैक्चुअल कुछ बहुत सारी चीजें हैं ज्योग्राफी में, जैसे कि आपके माउंटेन्स हैं तो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आप सारे ऊपर से नीचे तक, जैसे हिमालयाज हैं नीचे, फिर अपने विंध्याचल हैं, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स हैं और इधर ईस्टर्न घाट्स हैं, और नॉर्थ ईस्ट जो माउंटेन्स हैं उन सबको आप एक बार माउंटेन कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा जो है हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है कहाँ पर हैं, रामसर साइट्स हैं वो देख लीजिए। उसके अलावा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट रहता है कि इंडिया में जो स्टेटस रहता है फॉरेस्ट का, हम कहाँ पे बढ़ा है कहाँ पे घटा है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको आप इग्नोर करके मत जाइए। तो ये आप ऐसे इस तरीके से इन चीज़ों को अगर करेंगे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आप वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड थिंग इज पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत फॉर प्रीलिम्स, लक्ष्मीकांत इज कॉम्प्रिहेंसिव, आप उसको बार बार रिवाइज करिए, आप उसको बार बार तैयार करिए, तो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप वहाँ पे इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत को पढ़ा है और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व द पॉलिटी क्वेश्चन वेरी इजिली देयर। द थिंग फॉर पॉलिटी इज रिवाइज मोर एंड मोर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आप पॉलिटी के चैप्टर्स पढ़ते हैं आपको लगता है कि यू हैव कम्प्लीटली डन द कम्प्लीट चैप्टर इन वेरी गुड मैनर, बट जैसे ही पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप पार्लियामेंट से रिलेटेड वो चीजें नहीं आप कर पाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, या कुछ ऐसी फैक्चुअल चीजें वहां पे पूछ ली जाती हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया होता है, तो आपको उसी टाइम पे पता चलता है कि ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो ऐसा रहता है पॉलिटी में। तो प्रीलिम्स के लिए आप फैक्चुअल चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, फैक्चुअल चीजों को थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। और फोर्थ जो चीज जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ वो ये है दैट इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस विल बी मोर कंसेप्चुअल बेस्ड, सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी स्पेसिफिक फैक्चुअल थिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स दे विल आस्क सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वेदर यू हैव एनी क्लैरिटी अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लाइक दे विल आस्क यू दैट आरबीआई हैज डिक्रीज द रेपो रेट इन रिसेंट टाइम्स, सो व्हाट इट विल अचीव, सो इससे हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, या फिर इससे बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो क्या इससे होने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह के रिलेटेड इस तरह से जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से जनरली रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स की भी मैं यही बोलूंगा आपको कि जो हमारे बेसिक्स रहते हैं इकोनॉमिक्स के, कि किसी कोई भी जो हमारा एक एक, एक मूव रहता है बाय गवर्नमेंट और बाय आरबीआई, तो वो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट दे वांट टू अचीव विद दैट पॉलिसी, तो उस पे आप थोड़ा सा फोकस करिए कि ये क्या अचीव करना चाहती है सरकार, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर वैसे करेंगे तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आप इजीली वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिफ्थ थिंग इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए हमारे पास जो रिसोर्स रहता है वो जनरली शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरमेंट की, और इसके अलावा हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल नहीं रहता है एनवायरमेंट के लिए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंट विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, जो रिसेंटली करंट में न्यूज रही है वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और एनवायरमेंट से जो क्वेश्चंस रहते हैं जनरली मैंने ये देखा है कि जो अभी करंट में जो बहुत ऐसी न्यूज रहती हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इज वन थिंग, सेकेंड थिंग इज ग्लोबल वार्मिंग जो है अपना वो, और अभी जो है फॉरेस्ट फायर्स बहुत चल रही हैं वो चीज़ें, और फोर्थ जो है जैसे एनवायरनमेंट में लास्ट टाइम पूछा था कि एग्रीकल्चर वगैरह में जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं वो क्वेश्चन आया था,
तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे, और जैसे रिवर्स में जो पोल्यूशन वगैरह हम लोग अभी चल रहा है माइनिंग से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में आती हैं। तो रिसेंटली जो करंट में न्यूज में रहता है उसी से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप बेसिक एनवायरनमेंट के सिलेबस के साथ साथ इन चीजों को भी ध्यान में रखकर एनवायरनमेंट की तैयारी करिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स वो है साइंस एंड टेक। फॉर साइंस एंड टेक मटेरियल जो हमारा रहता है जनरली हम जो रेफर करते हैं वो एनसीईआरटी होती हैं अप टू 10th क्लास। लेकिन साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी पिछले कुछ सालों से यूपीएससी ने नहीं पूछा है कि आप वो डायरेक्ट आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी से कुछ ऐसा मिल जाए। बट यू नेवर नो, आप प्रिपेयर करके जाइए तो 10th क्लास तक के एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, वो इजी रहती हैं, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। और करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे अगर साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली यही रहता है कि करंट बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। तो जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीजें अभी पिछले एक से डेढ़ साल से न्यूज में रही हैं आप उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। करंट अफेयर्स जो हमारा मेनली रहता है वो हम कैसे प्रिपेयर करें इस पर हम एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स को हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी मंथली मैगजीन अपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर देते हैं, दे ऑलरेडी कंपाइल ऑल द करंट अफेयर्स फॉर द पास्ट मंथ और वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। या फिर जो अगर आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं तो आप उसी को रेफर करिए, क्योंकि जो चीजें अपने खुद आपने बनाई हैं वो आपको ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहती हैं, आप इजिली उनको रिकलेक्ट कर पाते हैं एग्जाम में, और वो रिवीजन भी आप उनका बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इजिली आप उन चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। तो अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप उन्हीं को रेफर करिए, और अगर नहीं करा है तो आप मंथली जो मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स की वो भी आप रेफर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने कुछ अगर आपका करंट अफेयर्स छूटा हुआ है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी कोई भी मंथली मैगजीन वगैरह उठा के ना पढ़िए, क्योंकि इट मे टेक अराउंड 2 to 3 days और 3 to 4 days फॉर कंप्लीटिंग वन मंथली मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स थोरोली। तो उसमें यू कैन नॉट स्पेयर 3 to 4 days एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो रादर आई वुड रिकमेंड कि आप कोई पिछले मंथली ऐसा कोई वीडियो देख लीजिए, उसको थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए, तो अब कम टाइम में वो चीजें आपके आंखों के आगे से एक बार निकल जाएंगी, तो मे बी यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम दोज करंट अफेयर्स इफ आस्क्ड इन द पेपर। तो ये चीजें हैं जो हम जनरली ध्यान देते हैं हमारे प्रीलिम्स की तैयारी में। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या सेफ जोन रहती है। तो फ्रेंड्स देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दी यूपीएससी एग्जामिनेशन की कितने क्वेश्चंस आपके लिए सही रहेंगे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी स्पीड कितनी रहती है, और तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट में आप देख लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रहती है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी सपोज मान के चलिए कि आपने 10 क्वेश्चन पे गेस करा है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी, आपको कहीं ना कहीं गेस करना पड़ेगा वहां पे। तो आप ये देखिए मॉक टेस्ट में कि आप अगर 10 क्वेश्चन में अगर आप गेस करते हैं तो कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहते हैं। तो दो तीन पेपर चार पेपर देने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेरे इतने क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 10 5 or 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस आर राइट एंड 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। गेस वर्क कैसे काम करता है, तो वहां पे जो अगर आपका आप नेगेटिव में रहते हैं तो आप वहां पे ज्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इट मे गो अगेंस्ट यू, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है और आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका गेस वर्क काम करता है और आपके क्वेश्चन आप गेस करते हैं तो पॉजिटिव में रहने के चांसेस रहते हैं, तो फिर आप वहां पे चांस ले सकते हैं अगर आपके अटेम्प्ट बहुत कम रहते हैं तो। और बहुत सारे मेरे पास जो अभी क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें ये बोलते हैं कि कितना वो जानना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चंस सेफ रहेंगे हमें अटेम्प्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस तो एग्जाम में करिए, बिकॉज उसके नीचे इट बिकम्स वेरी डाइसी कि आपके अटेम्प्ट्स आपको नहीं पता आपके कितने क्वेश्चंस वहां पे गलत हो सकते हैं, तो आप बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस करिए, उसके ऊपर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर वहां पे कैसा पेपर रहता है। अगर पेपर इजी रहता है तो आप 80-85 कर सकते हैं, पेपर बहुत टफ रहता है
तब भी आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस तो आप करिए, और बाकी मॉक टेस्ट देके देखिए आपको यू विल गेट ए फेयर आइडिया कि कितने क्वेश्चंस आपके लिए ठीक रहेंगे। और थर्ड थिंग जो हम बात करेंगे वो है जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, अभी लास्ट 35 डेज में हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है या फिर किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, इस पीरियड में आपको लास्ट 35 डेज में जो सबसे पहले काम करना है वो ये है कि आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बना के रखना है। ये बहुत प्रेशर का टाइम होता है आपके ऊपर, बहुत इमेंस प्रेशर होता है, देर इज इतना वास्ट सिलेबस रहता है यूपीएससी का, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है नर्वसनेस इंक्रीज होती है और आपका मोरल डाउन होता है, बहुत बार कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि मेरे से नहीं होगा इस टाइम पे, या मेरा करंट अफेयर्स तो अभी बहुत सारा बाकी है, या मेरा रिवीजन नहीं हुआ अभी तक, इस तरह के थॉट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रखिए, मोरल आपका अगर हाई मोरल रहेगा तो आप इजिली चीज़ों को जो है कर पाएंगे, इजिली चीज़ों को अपना मैनेज कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज आप ये मन में कॉन्फिडेंस रखिए कि आप अभी देर इज स्टिल टाइम, अभी भी एक महीना है हमारे पास, और अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप एक महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। तो मोरल अपना हाई रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए, नेगेटिव चीज़ों से बचिए, और ऐसे ऐसे ग्रुप से, सोशल ग्रुप से भी बचिए जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि मेरी तैयारी बहुत कम है और बच्चों ने बहुत तैयारी कर रखी है, ऐसे सोशल ग्रुप से बचिए। अपने आप पे फोकस करिए, खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, और अपने सिलेबस को ध्यान में रखिए कि हाउ मच आई हैव कंप्लीटेड, हाउ मच इज लेफ्ट, तो मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज है कि आप अपने मेंटल के साथ साथ आपको फिजिकली भी फिट रहना जरूरी है। तो बहुत सारा अभी जैसे देर इज स्टिल COVID-19 अमंग अस, तो अभी उससे भी आपको बचना है, तो आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करिए, खुद को क्वारंटाइन कर लीजिए एक महीने के लिए। इससे क्या होगा कि आप अपने में फोकस भी कर पाएंगे, अपनी तैयारी भी कर पाएंगे, और आप अपने आप को कोरोना से भी बचा पाएंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और पूरी नींद लीजिए, एडिकेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पूरा अच्छे से, और अच्छा अपना खाना पीना खाइए इस टाइम पे। लास्ट आप जो नहीं करनी है वो ये चीजें हैं कि आप कोई नया रिसोर्स मत उठाइए, कोई नई बुक मत पढ़िए, कहीं से नया रिसोर्स पढ़ेंगे तो इट विल टेक टाइम, और फिर सिर्फ एक बार पढ़ने से वो नहीं होता है, यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट इट इन द एग्जाम कंडीशंस, बहुत प्रेशर होता है वहां पे, तो नई चीजें आप नहीं रिकलेक्ट कर पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कोई नई चीज पढ़ते भी हैं तो मेक श्योर कि आप उसको एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2-3 या 4 बार उसको रिवाइज करके जाएं, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए और वहाँ पे व्हेन यू नीड इट तो आप उसको इजीली रिकलेक्ट भी कर पाएं। तो फर्स्ट थिंग, डू नॉट गो टू एनी न्यू रिसोर्स और बुक, और अगर आपको जाना भी पड़ता है, कुछ ऐसा बचा हुआ है अभी आपका सिलेबस का पार्ट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कोशिश करिए कि आप उसको एग्जाम से पहले 3 या 4 बार रिवाइज कर लें। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन पेपर है, उसको आप जरूर देखिए एक बार, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है यूपीएससी में कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, अगर वहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो आप उसको कर सकते हैं, इजिली कर लेंगे वहां पे, और दूसरा फायदा ये होगा कि देन यू विल गेट ए फेयर आइडिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड क्या रहता है यूपीएससी का, लास्ट टाइम कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इस बार कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, कट ऑफ ये देखिए कि लास्ट पिछले 2 साल से तो फॉर जनरल इट हैज बीन ओनली 98, सो बिलो 100, तो आपको हाफ क्वेश्चन से भी कम करना है क्लियर होने के लिए, ठीक होने चाहिए आपके। तो पेपर का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आप फील कर पाएंगे कि पहले से जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट अगेन देर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द यूपीएससी, यू विल नेवर नो कि इस बार क्या होने वाला है, क्या पेपर ईजी रहेगा डिफिकल्ट रहेगा, तो वो आप सिर्फ एग्जाम कंडीशंस में जाकर ही आपको पता लगेगा कि कैसा पेपर है। और फ्रेंड्स, एक जो लास्ट चीज है मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत अभी आप सब्जेक्ट वाइज पेपर आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे, सो नाउ स्टॉप डूइंग द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर्स, नाउ स्टार्ट डूइंग द फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि आप सब्जेक्ट वाइज करें, तो अभी आप फुल लेंथ टेस्ट देके देखिए, एटलीस्ट 10-15 फुल लेंथ टेस्ट जरूर दीजिए एग्जाम में जाने से पहले। और आप दूसरी चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लास्ट के 1 वीक और 10 डेज पहले, एग्जाम से 7 या 10 दिन पहले तक आप अपने टेस्ट देना बंद कर दीजिए,
उस 7 या 10 दिन में आप सिर्फ रिवीजन करिए, अपने रिसोर्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी और आपको आपको एक मेंटली एक आपको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए एग्जाम मतलब टेस्ट देने से, ताकि आप फुली प्रिपेयर हो जाएं हो पाएं उस एग्जाम रियल में जो एग्जाम होगा आपका उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स आज जो मैंने आपके साथ शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। और